जीएसटी काउंसिल ने भारत में बड़ी और मिड साइज कारों पर सेस रेट बढ़ा दिया है। छोटी कारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। काउंसिल के फैसले के बाद मिड साइज कारों पर 2% सेस बढ़ाया गया है, जिससे अब जीएसटी रेट 45% हो गया है। लंबी कारों की बात करें तो इन पर लगने वाला सेस 5% बढ़ाया गया है, जिसके बाद इन पर लगने वाला टोटल जीएसटी 48% हो गया है। सबसे बड़ी मार एसयूवी पर पड़ी है और इस पर लगने वाला सेस 7% हो गया है, जो टोटल जीएसटी को 50% तक ले गया है। सेस में बढ़ोतरी से अचानक ही कारों की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, जो इंडस्ट्री के लिए काफी निराशाजनक बात है। हालांकि जीएसटी से पहले कारों की जो कीमत थी उस कीमत से ये अब भी कम है। टोयोटा और होंडा ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा किया है। जीएसटी काउंसिल में बड़ी मिड साइज कारों और एसयूवी पर 2-7% सेस बढ़ाने के फैसले से कार निर्माता कंपनियों को दाम बढ़ाना पड़ा। टोयोटा ने जहां अपनी कारों की कीमतें 13,000 से लेकर 1,62,000 रुपए तक बढ़ाई है, वहीं होंडा ने अपनी कारों के दाम 7,000 रुपए से लेकर 89,000 रुपए बढ़ाए हैं। सुजुकी के चेयरमैन ओसामू सुजुकी ने गुजरात में पहले से बनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में तीसरा प्लांट बनाने की घोषणा की है। कंपनी की माने तो तीसरे प्लांट को स्थापित करने में लगभग 3,800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस प्लांट में हर साल 2.5 लाख कारें बनाई जाने की क्षमता होगी, जो गुजरात में बनने वाली कारों के आंकड़े को 7.5 लाख सालाना तक पहुंचा देगा। प्लांट सी बनने के बाद गुजरात और हरियाणा का कुल सालाना प्रोडक्शन 22.5 लाख कारों तक पहुंच जाएगा। इस घोषणा के साथ कंपनी ने डेंसो और तोशीबा के साथ मिलकर 2020 तक भारत में बैटरी के प्रोडक्शन को शुरू करने का भी ऐलान किया। बैटरी बनाने वाला प्लांट भी गुजरात के हंसलपुर की सुजुकी फैक्ट्री के अंदर ही बनाया जाएगा। सुजुकी ने बताया कि भारत और अन्य देशों में हाइब्रिड कारें सप्लाई की जाएंगी, जिनमें इन्हीं लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाएगा। कंपनी की माने तो इस प्लांट को बनाने में लगभग 1,151 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को दोबारा शुरू करने की याचिका को खारिज कर दिया है। केंद्र ने याचिका दायर करते हुए कहा कि दिल्ली में डीजल वाहनों पर बैन के नियमों में बदलाव होना चाहिए, जिसे एनजीटी ने खारिज किया है। एनजीटी ने बताया कि एक डीजल वाहन से होने वाला प्रदूषण 24 पेट्रोल वाहनों और 40 सीएनजी वाहनों के बराबर है। त्योहारों के सीजन से ठीक पहले टाटा मोटर्स ने कुछ घोषणाएं की है। कंपनी टिगोर का XM वेरिएंट लेके आई है, जिससे पहले से ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। भारत में इस कार के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 4,99,000, वहीं डीजल वेरिएंट की कीमत 5,81,000 रुपए रखी गई है। इसके साथ ही कंपनी ने टाटा टियागो का लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया, जिसे विज नाम दिया गया है। टियागो विज में एक्सेसरी किल दिया गया है, जिसके बाद कार का लुक स्पोर्टी हो गया है। भारत में टियागो विज के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 4,52,000 है, वहीं इसके डीजल वेरिएंट के लिए आपको 5,30,000 रुपए खर्च करने होंगे। टाटा ने आखिर में बताया कि नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सन 21 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। इस कार के लिए बुकिंग पहले ही शुरू कर दी गई है और 11,000 रुपए टोकन मनी के साथ आप इस एसयूवी को बुक कर सकते हैं। टाटा मोटर्स के साथ बातचीत के बाद अब स्कोडा बाकी कंपनियों के साथ मिलकर बाजार में कम कीमत वाली कारें लाने का सोच रही है। स्कोडा के सीईओ बेनहर्ड मेयर ने कहा कि स्कोडा लोकल सप्लायर्स के साथ मिलकर छोटे इंजन वाली क्रैश टेस्ट पास करने वाली कार बनाना चाहती है, जिसके लिए कंपनी से बात की जा रही है। इन वाहनों की कीमत कम होगी और भारत के लिए बनाई गई ये कारें साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट में भी बेची जा सकती हैं।